तो आज इन वॉचेस की सेंसर की टेस्टिंग करेंगे ऑक्सीमीटर के साथ। मेरे ऑक्सीमीटर का डिस्प्ले ख़राब हो गया था, जिसने ये वाली वीडियो देखी होगी दोनों के कंपैरिजन की उसको पता होगा। तो खैर, जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर सेटअप करते हैं और फिर इसके साथ कंपेयर करते हैं। और जिसको ऑक्सीमीटर नहीं देखना है, क्योंकि ऑफ कोर्स लास्ट 1.5 साल में काफ़ी कुछ देख लिया, वो जाके मूवी देख सकते हैं इनकी, ये तो है ही। ठीक है, तो एक एक दो और बातें आज बता दूंगा कि सेंसर तो सेंसर है, ठीक है, वो तो इस बैंड ने क्या किया दोनों वॉचेस के साथ वो तो लास्ट वीडियो में पता चल ही गया। फिर भी तसल्ली के लिए दोनों को मैच कर लेंगे, है ना, क्योंकि तसल्ली भी ज़रूरी है। अगर यूजुअल सेल्फ में कोई देखना चाहे कि नहीं, अगर हम लोग पागलपंती नहीं करते हैं और नॉर्मली हाथ से ही चेकअप करते हैं, तो क्या रिज़ल्ट आएगा। और थोड़ी सी दोनों वॉचेस के सॉफ्टवेयर की भी बात करेंगे, क्योंकि वो पार्ट थोड़ा सा मिस हो गया था कि रियल एक्सपीरियंस कैसा है, सॉफ्टवेयर का स्मूथ है या नहीं। ऐप वगैरह की बात हुई थी, वॉचेस की रह गई थी। तो ये बॉक्स है, देख लो, यहाँ डॉक्टर ट्रस्ट की ब्रांडिंग है, ये रोहित शर्मा ब्रांड एम्बेसडर हैं, लेकिन उनकी स्टिकर लगा के ये छुपा दी गई। प्राइस तो बहुत हाई मेंशन है, 5,000, जितने में ये मिल रही थी जब सेकेंड वेव में बहुत हालत ख़राब थी, लेकिन अब ये 1499 में आपको मिल जाएगी। और इस वाले वेरिएंट के बहुत अच्छे रेटिंग्स भी हैं। एक और है इसका प्रोफेशनल वेरिएंट, प्रोफेशनल किस बारे में पता नहीं, लेकिन वो 2000 का है, तो मुझे लगता है मैक्सिमम लोग इसके लिए ही जाते हैं। इसमें परफ्यूजन इंडेक्स, SPO2, OLED डिस्प्ले है, रेस्पिरेटरी रेट, अलार्म भी है, अलार्म फंक्शन, नो आइडिया, हाई एक्यूरेसी और डायरेक्शन चेंज। मेरे पास इससे पहले तो काफ़ी सस्ता वाला था, बस जो काम चलाने के लिए था, क्योंकि उस टाइम वही मिल ही रहा था, स्टॉक में कोई रहता नहीं था। ये वारंटी क्लेम करने के लिए तो ज़रूर से रजिस्टर कर देना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट कागज़ है। ये मैनुअल अगर आपको यूज़ करने नहीं आता है, तो मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों ने यूज़ किया ही होगा अनफॉर्चुनेटली। ये ऑक्सीमीटर, ठीक है, बैटरी सील्ड है, तो मैं दूसरे वाले ओपन की लगा लेता हूँ जल्दी करने के लिए। हाँ, तो सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर लेते हैं। तो वॉचेस का ये है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो डीजो की वॉच ऑन हो गया, तो देख ही लेते हैं, फिर सॉफ्टवेयर की बात कर लेंगे। ओके, तो हार्ट टेस्ट फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि जब वीडियो अपलोड कर रहा था तो उस टाइम देखा कि थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है, वो सही से नहीं आया था एक वॉच में। तो इसको मैं ऐड कर दूंगा फिर बीच में ही, आप ये बीच में क्लिप देख रहे होगे, उसके चीज़ बीच में एक चीज़ और याद रखना कि मैंने वीडियो में आगे, तो जब दोनों के सॉफ्टवेयर को कंपेयर कर रहा हूँ, तो मैंने बोला है कि एक वॉच फास्ट है, एक वॉच स्लो है, वो आप देख लेना तो आपको पता चलेगा। लेकिन ऐसा है कि जब आप दोनों को साइड में, जैसे मैं तो एक ही टाइम एक ही हाथ में दोनों वॉचेस पहनता हूँ और दोनों साइड बाय साइड हमेशा कंपेयर होती रहती हैं, इसलिए फीलिंग आती है या तुरंत डिफरेंस पता चलता है, 1 सेकंड नोटिफिकेशन पहले आया 1 सेकंड बाद, ये भी नोटिस होता है। लेकिन आप तो दोनों में से कोई एक ही वॉच खरीदोगे, तो बहुत चांसेस है 99% कि आपको ये सब डिफरेंस पता ही नहीं चलेगी। आप बात समझ रहे हो, कंपैरिजन करने पे डिफरेंस पता चलता है ना, ठीक है। तो दोनों वॉचेस वाइब्रेट हो चुकी हैं, तो 80 और 81 की रीडिंग है, ऑक्सीमीटर की रीडिंग देख लेते हैं, 80 है, ठीक है, चलो फिर बाय।
अब SPO2 देख लें, 98 है यहाँ पे, ठीक है। इसमें SPO2 की स्क्रीन नहीं आती, आपको मेनू में से जाके SPO2 सेलेक्ट करना पड़ता है। उसकी तो दिखाई दिया 98, देख लो। दोनों का एवरेज लेके वहां दिखा रहे हैं, ठीक है। तो देखा आपने कि क्या डिफरेंस है, क्या दोनों ही नेग्लिजिबल डिफरेंस था, लेकिन इस बैंड ने क्या किया वो तो पिछली वीडियो में सबको पता चल ही गया होगा। अब जल्दी दोनों की सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। अगर पर्सनल एक्सपीरियंस की बात बोलो तो नोटिफिकेशंस जो आते हैं वॉच से, वो ऐप सिंकिंग में इस पर 1 सेकेंड या फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पहले आते हैं, ये आपको ज़रूर नोटिस होगा। दूसरी बात, इसके वॉच के फेसेस में बस एक SPO2 मिसिंग है, नहीं तो बहुत सारे ऑप्शन इसके वॉच में ही हैं। इसमें कुछ 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 एक दो ऑप्शंस ऐप में जाके सेट करना पड़ता है, और मेन स्क्रीन पे जल्दी आता भी नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, कोई खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन कभी कभी आपको फील होगा। नोटिफिकेशन मेन्यू का हल्का सा ओल्ड स्टाइल है, तो ये नीचे से ऊपर आता है और ऊपर से नीचे नोटिफिकेशन, ठीक है। इसका नोटिफिकेशन रिलेटिवली स्मूदर है, ठीक है, खासकर इसके लिस्ट मेन्यू में। अगर आप इसका लिस्ट मेन्यू ऑन रखते हो तो ये काफ़ी स्मूथ है, ठीक है। ये हल्का सा लैगी लगता है, स्पेशली एलेक्सा यूज़ करने के जस्ट बाद, जब आप इसको यूज़ करोगे वॉच को, मतलब मुझे लगता है ना जैसे एलेक्सा यूज़ होने के बाद ये वॉच जल्दी से, इसका भी तो कुछ रैम स्टोरेज कुछ होता होगा, तो जल्दी से उसको ऑप्टिमाइज़ नहीं कर पाता है। तो एलेक्सा यूज़ करने के बाद ये थोड़ी स्लो लगती है वॉच। हाँ, एलेक्सा यूज़ नहीं करोगे तो ये भी फास्ट लगेगी। और लास्ट बात जो बताना बहुत ज़रूरी है, अगर आप बैटरी लाइफ देखोगे, ठीक है, 41% पे, 50% का, और ये जो वॉच है ये इतनी टाइम में सिर्फ एक बार चार्ज हुई है और ये 2 बार चार्ज हो चुकी है, मतलब 100% पे आई थी, फिर ये 100% पे हुई, लेकिन ये जिस दिन सेम दिन मैंने 100% किया था, तो आप देख लो कि इसकी बैटरी सच में हाफ है इसकी, मतलब अभी तो और डाउन ही जा रही है। तो एलेक्सा यूज़ करने से बहुत ज़्यादा बैटरी खर्च होती है बोट एक्सटेंड पे, तो इस बात का ध्यान रखना। सब कुछ तो देख ही लिया, ठीक है। चलो।